बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। मैज़ान बैंक ने एक नया अकाउंट शुरू किया जिसका नाम मैज़ान वूमेन फर्स्ट अकाउंट रखा गया है, और ख़ासकर फीमेल्स के लिए ये एक बेहतरीन अकाउंट शुरू किया गया है। इसके अंदर आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, प्रॉफिट आपको कितना दिया जाता है और उसके ऊपर टैक्स कितना काटा जाएगा, मुकम्मल और ए टू जेड हकीकत तफसीलात आप तक पहुंचाई जाएंगी। तो आप लोग अगर बिजनेस विद अली यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जैसे कि नाम से वाजह है कि मैज़ान वुमेन फर्स्ट अकाउंट इज़ फॉर फीमेल्स, यानी कि औरतों के लिए ये बनाया गया स्पेसिफिक अकाउंट है। और यहाँ पे वाजह भी लिखा है कि मैज़ान का ये फर्स्ट अकाउंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए है। अब इस अकाउंट को आप लोग पाकिस्तानी रुपीज़ के अलावा यूरोज़ में भी और डॉलर्स में भी ओपन करवा सकते हैं, तो इसमें ये फैसिलिटी भी दी जाती है। अब हम इसके की फीचर्स एंड बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट जो आपको डेबिट कार्ड मिलता है वो डिस्काउंट प्राइस पे मिलता है, उस पर कम पैसे लिए जाते हैं। उसके बाद जो मुदारबा बेस्ड सेविंग अकाउंट है, यानी कि एक मुदारबा एक इस्लामिक एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको मुदारबा कहा जाता है, इसकी बेस पे ये कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ किया जाता है जो कि एक इस्लामिक वे के तहत किया जाता है। उसके बाद जो चेकबुक आपको दी जाती है वो फ्री ऑफ कास्ट होती है, पहली चेकबुक, और जो आपको पे एड्रेस दिए जाते हैं वो भी फ्री ऑफ कास्ट होते हैं। इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग की जो सर्विस है वो फ्री ऑफ कास्ट आपको प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट होती जो कि आपको आपके मेल पर दी जाती है वो भी फ्री ऑफ कास्ट होती है। यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ 100 रुपये, सिर्फ 100 रुपये पाकिस्तानी रुपीज, 100 डॉलर से, 100 यूरो से, 100 पाउंड से आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। आपको ऑनलाइन ब्रांच बैंकिंग की फैसिलिटी भी यहाँ पे मिलती है तमाम पाकिस्तान के अंदर। मंथली जो प्रॉफिट है वो आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र की जाता है। जो पैसे आप निकलवाते हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, जितनी चाहें ट्रांजेक्शन आप करें। बैलेंस मिनिमम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि इतना बैलेंस आपको रखना है, इस पर भी कोई मसला नहीं है। डिडक्शन नहीं होगी आपके कोई भी सर्विस चार्जेस, या बैलेंस मेंटेन करने के अलावा करने के ऊपर कोई सर्विस चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे अगर आपका बैलेंस लो भी है तब भी। अगर आप लोग लॉकर लेते हैं तो वहाँ पे आपको 50% डिस्काउंट मिलता है। प्रोसेसिंग फीस आपसे नहीं ली जाती, जो कि चार्जेस ऑफ हाउस फाइनेंस, कार एंड बाइक जरा की, जो अगर आपके पास ये अकाउंट है और आप लोग मैज़ान बैंक से लोन अप्लाई करते हैं कार के लिए, बाइक के लिए, घर के लिए, तो जो डॉक्यूमेंट की जो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है वो आपसे वसूल नहीं की जाती है। इसके अलावा जो फाइनेंस प्रोवाइड करता है मैज़ान बैंक, लोन प्रोवाइड करता है, उस पर भी आपको डिस्काउंट दिया जाता है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट की तरफ आते हैं कि इसके ऊपर आपको जो है वो मुनाफा कितना दिया जा रहा है। तो आ जाते हैं पॉइंट की तरफ जी। मैज़ान बैंक के अंदर जो पाकिस्तानी रुपीस के ऊपर अकाउंट होगा उस पर आपको 15% मुनाफा मिलेगा। उसके बाद डॉलर्स के अंदर होगा वो 2% मुनाफा होगा, और जो पाउंड्स के अंदर होगा उस पर भी 2%, और यूरोस के अंदर 1% आपको मुनाफा दिया जाएगा। अब ये मुनाफा कितना बनता है, टैक्स काट के आपके पास क्या बचेगा, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर आप लोग 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसको 15% से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये आपके पास मुनाफा आ जाएगा 75,000, यानी 75,000 रुपये। ये आपका मुनाफा आ गया सालाना की बुनियाद पर 5 लाख के ऊपर। अब इसको आप 12 पे तकसीम कर लेंगे तो ये आपका महाना का मुनाफा आ जाएगा 5 लाख के ऊपर। अब इसमें से टैक्स भी आपका कटना है। अगर आप फाइलर होंगे तो आपका 15% टैक्स कट जाएगा, और अगर आप लोग नॉन फाइलर होंगे तो इसमें से मज़ीद 15% टैक्स कट जाएगा। तो आपके पास बचेंगे तकरीबन 4,515 रुपये 5 लाख के ऊपर, अगर आप लोग का टैक्स कट जाता है 30%, तो आपका ये मुनाफा पीछे बचता है। बाकी अगर आपका कोई और सवाल हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप इस अकाउंट को ओपन करवाना चाहते हैं तो आपको किसी भी अपनी नज़दीकी ब्रांच में जाना है और उनको बताना है कि मुझे मैज़ान का फर्स्ट वुमेन अकाउंट, चाहे वो वुमेन फर्स्ट अकाउंट को ओपन करवाना है जो कि नया नया शुरू किया गया है, तो आप इसको ओपन करवा सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप लोग फीमेल हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, हलाल के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट और अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ एक अच्छा अकाउंट।